हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आंवले बड़े बाजार में आ जाते हैं। और जैसे कि पता ही है कि आंवले हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें संतरे से कहीं हजार गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं। दांतों के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और हमारे चुन ऋषि जो थे वो तो आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठ के तपस्या करते थे और इतना उनसे फ़ायदा पहुँचा कि उनकी उम्र काफ़ी लंबी हो गई थी और ये बुढ़ापे को भी रोकता है। तो इतना सारा फ़ायदा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आंवले का मुरब्बा बनाया जाए। लेकिन आंवले का मुरब्बा इतना मुश्किल होता है बनाना कि वीडियो देखने के बाद ही हिम्मत नहीं पड़ती है इसको बनाए तो कैसे बनाए, इतना सारा मतलब प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या किया है यार कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाने जा रही हूँ, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए चलते हैं। तो आंवला बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आंवला। आंवला जो है बड़ा बड़ा और थोड़ा शीशे की तरह चिकना, अभी ना दाग धब्बे वाला होना चाहिए। ये दिसंबर के बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगे ऐसे आंवले। ये मैंने अभी सीजन में शुरू ही मंगाया है, तो थोड़ा छोटे छोटे साइज़ के हैं। अभी इन आंवलों को पानी में फुला करके 24 घंटा छोड़ देना है। 24 घंटा फूलने के बाद इन आंवले को खूब सफाई से धो लेना है और यहाँ पर जो इसका जड़ होता है इसको भी काट के हटा देना है हल्का सा सूरज के, काफ़ी सफाई से धोना है। धोने के बाद इनको उबाल लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको फिटकरी के पानी में तो फुलाया ही नहीं, तो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ विधि। इसको पानी में उबाल लिया है 5-10 मिनट ही लिए, इतना कि फटे ना, उबल गया ये। अब इसको सॉफ्ट हो गया है तो गोबना आसान है। इसको इससे कांटे से गोब लेना है। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मुझसे नहीं हो रहा है। अब आंवले को गोबना जो है ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो देखिए उबलने से क्या हुआ है कि ये इसको प्रिक करना आसान हो गया, ईजिली ये प्रिक हो रहे हैं। तो उबालने के बाद इनको अच्छे से प्रिक कर लेना है। अभी थोड़े गर्म हो रहे हैं ये इजली प्रिक हो रहे हैं। और देखिए ये उबला हुआ आंवला है, थोड़ा कलर चेंज हो गया है, ये कच्चा आंवला है। कच्चे आंवले को प्रिक करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए इसमें ना फिसल जाता है हाथ और इसमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। इतने 1 किलो आंवले को गूंथना बड़ा मुश्किल है। देखिए इसमें बहुत मुश्किल से नीडल घुस रहा है, छिड़कने पर इससे हाथ भी कट सकता है। तो ये उबालने से इतने ईजी हो गए हैं ना कि देखिए, तो ये ट्रिक यूज़ करिएगा। तो ये मैंने सबको गोभ लिया है। अब एक बर्तन में मैंने जैसे लिया 1 किलो आंवला, तो उसके लिए 1.25 किलो चीनी लेना है। उसको थोड़ा सा पानी दे करके उसको पका देना है। अब इस चाशनी में आंवले को डाल लाना है और पकाना है। इसको पकाना इतना है कि ये जो चाशनी है इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पतला हो जाएगा, फिर पानी सुखाना पड़ेगा, क्योंकि आंवले के मुरब्बे के लिए चाशनी का गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कम पानी डालना है, कितना कि चीनी गल जाए उसके अंदर। और चूँकि आंवले ने उबाला है तो आंवले के अंदर पानी है ही, तो वो पानी मिक्स होकर के चाशनी अपने आप पतली हो जाएगी। इसको उबालते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना है। उसके बाद जब तक अपने आप ही जो है ये चाशनी पतली हो जाएगी, फिर इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। इसको तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी 1 तार की ना हो जाए। आपको चाशनी बाहर निकाल के चेक कर लेना है 1 तार की हुई कि नहीं। अब पकाना है, पकाने के बाद इसको ठंडा करके कांच के बर्तन में रख लेना है और फिर खाना है, सर्दियाँ एंजॉय करनी है। और देखिए ये स्वादिष्ट मज़ेदार आंवले का मुरब्बा बन के हो गया है तैयार। बस आप चाहें अगर शुगर के पेशेंट हैं तो इस चाशनी को धो के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं।